border on Sunday decided to step up pressure on the government to repeal the new farm law and announced a relay hunger strike at all the protest sites from Monday onwards. जिस तरह की ये जिद कर रहे हैं किसान संगठन कुछ वो ठीक नहीं है. जब प्रधानमंत्री जी ने खुद इतना एक्सटेंसिवली उस विषय पे बोला है, उनको एश्योर किया है कि एमएसपी नहीं जाएगी, एपीएमसी स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा. 22 सालों में इन फॉर्म बिल पे कंसेंसस बनी थी इन रिफॉर्म्स के ऊपर, जिसको सरकार ने अब कानूनी जमला पहनाया है. तो अब इस किसानों को इस तरह की जिद करना ठीक नहीं है. और पूरे देश में लोगों को समस्या हो रही है और बाकी प्रदेश के किसान और संगठन हैं वो इन फार्म रिफॉर्म्स के समर्थन में खड़े हुए हैं. सीएम मनोहर लाल खट्टर सेड दैट एमएसपी विल ऑलवेज बी देयर इफ समवन ट्राइज टू अबोलाइज इट. मनोहर लाल खट्टर विल लीव पॉलिटिक्स. इतने एश्योरेंस दे रहे हैं, चीफ मिनिस्टर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, कृषि मंत्री जी दे रहे हैं, उसके बाद भी केवल जिद करना एक आशंका को लेके कि सरकार एमएसपी हटा देगी, या एक बाल हट की तरह ही लग रहा है. और कुछ स्वार्थी तत्व जो हैं वह इस आंदोलन का अपने निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. किसानों को ये समझना चाहिए, सरकार ने अभी फिर उन्हें निमंत्रण दिया है, कृषि मंत्री जी ने, कि आ जाओ बात कर लें. इस विषय को अब तुरंत किसानों ने एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और सरकार के साथ बात करके अपनी समस्याओं में जो मिल चुका है वह बहुत है, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. कुछ और चीज़ें अगर बची हैं तो वो बात करके उसको निपटारा कर लें उसका. फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर.